यहीं सो जाओ। Are you sure मैं यहाँ सो जाऊँ? अब बरसात को तो मैं वापस भेज नहीं सकती, और जैसा तुमने कहा कि अगर तुम कहीं और सोते हो तो घर के लोग 10 तरह की बातें करेंगे, सो टू अवॉइड एवरीथिंग खामोशी से यहीं सो जाओ। थैंक यू। सलमान खान के बहुत बड़े फैन हो क्या? बहुत बड़ा एज एन अंडरस्टेटमेंट, सबसे बड़ा फैन। एक्सक्यूज मी, सलमान खान के मुझसे बड़े फैन और कोई नहीं हो सकते। एक्सक्यूज मी, ट्रस्ट मी, मैं न्यूयॉर्क में थी ना, मेरे फ्रेंड्स मुझे क्रेजी कहते थे, मैं उसकी सबसे बड़ी फैन थी और हूं और मैं रहूंगी। तुम्हें पता है मैं स्कूल से बंक करके उसकी हर मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो खुद भी जाती थी और अपने पूरे फ्रेंड सर्कल को लेके जाती थी, सिर्फ उसी के सॉन्ग पे डांस करती थी और उसकी एक्टिंग करके दिखाती थी और उसके स्टाइल को प्रमोट करती थी। और तुम कह रहे हो कि तुम उसके सबसे बड़े फैन हो? प्लीज, पत्थर के फूल याद है तुम्हें? अरे हाँ, वही फिल्म देख के तो मैंने स्केटिंग करनी शुरू की थी, और उसके बाद अब्बू से मैंने कहा था कि अब्बू मुझे स्केट्स दें, तो वो मेरे लिए इंग्लैंड से स्केट्स लेके आए थे। बाय द वे, कौन सा गाना था उस फिल्म का, पत्थर के फूल का कौन सा था जिसमें रवीना टंडन वो साड़ी पहन के डांस? ओके, मैं बताती हूँ। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी आवारा लगता है, तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू जूली लगती है, कभी तू मूली लगती है, देखा ये होता है सलमान खान का असली फैन। लिरिक्स तो सारे मैंने बताया तुम्हें। एक्सक्यूज मी, कौन से लिरिक्स? वो सारे गलत लिरिक्स थे तुम जो तुम गा रही थी। प्लीज, तुम सिर्फ हाँ कर रहे थे, लिरिक्स मैंने बताया। और तुम ये क्या कह रही थी कि तुम सलमान खान की सबसे बड़ी फैन थी न्यूयॉर्क में? यहाँ पे भोपाल में मैं एक टाइम पे ऐसा था कि हाई स्कूल में मैंने तेरे नाम वाली हेयर स्टाइल रखी थी अपनी, और जितने लोग आज भी मुझसे टच में है वो मुझे राधे भैया ही कहकर बुलाते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। देखो अयान, कुछ भी कर लो तुम सलमान खान नहीं लग सकते। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, एक बार ना मिस्टर खान ने एक बार मुझे सलमान खान की तरह डांस करके दिखाया था और फुल ऑन उसके स्टाइल में बाइक लेके आए थे। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि उन सारी चीजों में हेल्प उनकी मैंने ही की थी? तुम कहोगे मैं मान लूंगी। ओ प्लीज, ठीक है, डोंट ट्रस्ट मी, डोंट ट्रस्ट मी। अर्ज किया है, अर्ज किया है, जल्दी इरशाद, 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 अर्ज किया है। गुड लुक्स, एटीट्यूड और स्टाइल की खान, गुड लुक्स, एटीट्यूड और स्टाइल की खान हो ए हसीनो अयान अहमद, तुम भोपाल के सलमान खान हो। थैंक यू, थैंक यू। हो गया, अब मैं अर्ज करती हूँ। हाँ करिए। इरशाद, 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 जो पेट एनिमल्स छोड़ के गलत फहमी पाले वो लल्लू, पेट एनिमल्स छोड़कर जो गलत फहमी पाले वो लल्लू, और खुद को समझते हो सल्लू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। उसमें बहुत ही गंदा वाला था। तुम कह रहे हो ये, जिसे शायरी का श नहीं आता, तुम कह रहे हो तुमसे बेटर शायरी थी, मुझसे बहस मत करना। बड़े आए सलमान खान के फैन, ना उसका कोई गाना आता है, ना मूवीज के नाम याद है, ना शायरी करनी आती है। मिलवाना जरा उन लड़कियों से जो तुम्हें सलमान खान की फैन कहती हैं, शेख चिल्ली कहीं के। पहले ही बता रही हूँ, आज के बाद सलमान खान के बारे में कभी मुझसे बहस मत करना, और शायरी तो मुझे अपनी कभी करके ही मत दिखाना। इतनी बुरी शायरी करते हो, लेवल ही कोई नहीं है तुम्हारा। मुझसे सीखो शायरी। मेरी शायरी जो थी वो राइमिंग तो थी। ओह प्लीज, मेरी राइम तुमसे बेटर राइम कर रही थी। प्लीज मुझसे बहस मत करो, मेरी शायरी का लेवल कुछ और ही है। तुम जाके पहले सीख के, फिर मेरे सामने अपनी शायरी करना। बड़े आए
ये झुमके तुम्हारे ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। शुक्रिया, जोया ने दिए हैं। इमरान, मैं तुम्हारे और तनवीर के बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तनवीर तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। इमरान, क्या बात है, आप अब तक तो नॉर्मल थे। जैसे ही मैंने कहा कि ये झुमके मुझे जोया ने दिए हैं, आप बिल्कुल खामोश हो गए। क्या बात है? नजमा से सच्चाई छुपाने के बाद तुम डेफिनेटली उसे खो दोगे। नजमा, मैं कब से तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर सो गए क्या? अरे मैं दरअसल कुछ कहना चाह रही थी। वो मैं क्या कह रही थी कि तुमने निकट के निकाह के लिए ड्रेस ले ली। जी अम्मी, आज सुबह एंगेजमेंट से पहले ही ले ली थी। तो लाओ हमें भी दिखाओ, हम भी देखें भाई कैसी है हमारी होने वाली दूसरी दुल्हन की निकाह की ड्रेस। जी पड़ेगा, दिलशाद बी की पसंद बहुत खूबसूरत है ना? एक्चुअली अम्मी, ये ड्रेस इमरान ने पसंद की है। क्या, ये इमरान ने पसंद की है? दरअसल अम्मी की तबीयत जरा ठीक नहीं थी, तो मैं और इमरान जाकर ये ड्रेस ले आए। ये इमरान ने 50,000 रुपए लुटा दिए। एक बात बताओ, ये ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसे लौटाना पड़ेगा। लेकिन अम्मी, आपने अभी कहा ना कि आपको ये ड्रेस पसंद है। हाँ, तब तक मैंने इसे अच्छे से देखा नहीं था। वो क्या है ना, निखत का रंग दबा हुआ है, वो इसमें और भी ज्यादा काली लगेगी, इसलिए इसे लौटाकर सही दाम पे सही चीज ले आऊंगी। है नजमा, तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूं। मुझे लगा अम्मी को वो ड्रेस पसंद आएगी। खैर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, मुझे नहीं लगता अब नजमा को तनवीर के बारे में बताना ठीक रहेगा, और शायद मेरा चुप रहना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। ट्रस्ट में मिस्टर खान, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। आपकी बहुत याद आ रही है, और फूफी की भी। आइए। नीचे कुछ औरतें आई हैं आपको देखने के लिए। मुझे? हाँ, हमारी रिश्तेदारी में हैं। उन्होंने आपके और रयान के बारे में सुना, तो आपको देखने आई हैं। अब रिश्तेदारी तो निभानी पड़ती है, ऊपर से अम्मी ने भी कह दिया कि आप घर पर हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलिए चलते। कपड़े बदल लीजिए। कपड़े?
लेकिन आपने तो कहा कि सिर्फ मुझे देखने आई है वो। अब आई मीन कोई रस्म है क्या? नहीं, कोई रस्म नहीं है, मगर रवायत तो है। हमारे घर की लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हाँ, लेकिन लेकिन कोई फॉर्मल ओकेजन थोड़ी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर की बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती, और खास करके बहुएं तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। आप पहनती थी, अब आप इस घर की बहू हैं जोया। लेकिन जोया, मान जाओ बेटा, उनके सामने यूं जाओगी तो तुम्हें देखकर वो ये नहीं कहेंगे तुम कैसी दिखती हो, कितनी अच्छी हो, बल्कि वो ये देखेंगे कि तुमने क्या पहना है, और फिर बातें करना शुरू कर देंगे। बेटा, हम उन्हें ये मौका क्यों दें? जाओ, कपड़े बदल। बस 6 दिनों की तो बात है, ये भी मान ही लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। या अल्लाह, जब तक निखत का निकाह नहीं हो जाता, मैं चाहकर भी इन्हें ये नहीं बता सकती कि मैं यहां सिर्फ 6 दिनों के लिए और हूं। प्लीज अल्लाह मियाँ, मुझे इस घर में 6 दिनों से ज्यादा नहीं रुकना है। 6 दिन और बाकी। तस्वीरें पसंद आई जैमी? तन्वीर की अब बेहूद की है। तुमने अपने बेहूदा नाटक की तस्वीरें मुझे क्यों भेजी? जैमी, ये बेहूद की नहीं है, ये तो हमारी मोहब्बत है। कम से कम हमारी पाक मोहब्बत की यादों से नाराज तो मत होइए। जरा सोचिए, ये सारी तस्वीरें तो हमने आपको भेजी। अगर ये सारी तस्वीरें भोपाल के किसी अखबार में या किसी टीवी चैनल पे आ जाती तो क्या होता? गौर से देखिए इस इंसान को। शहर का मशहूर बिजनेसमैन असद अहमद खान का MMS स्कैंडल, जिसने अपनी बचपन की दोस्त के शादी। शट अप तन्वीर, इसी घटिया बात सिर्फ तुम सोच सकती हो। आखिरी मौका दे रहे हैं जैम, हमें अपना लीजिए, वरना घर की बात सबके सामने आते देर नहीं लगेगी। उस रात की तस्वीरें अगर दिन के उजाले में सबके सामने आ गई तो अल्लाह कसम, तकलीफ आपको ही होगी। तन्वीर, तुम्हें लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकती हो? उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारी एक चाल थी। हमारी चाल थी जैमी, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन सारा शहर तो नहीं जानता है। तो क्या कहते हैं, तस्वीरें अल्फाजों से ज्यादा ऊंचा बोलती, और फिर अगर तस्वीरें ऐसी हो तो आप ही सोचिए, लोग तो आपको ही गुनहगार समझेंगे, है ना जैमी? माने दो, लोग क्या सोचे मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उफ, ये तेवर,
ये तो जान ले लेते हैं जैमी। हम जानते हैं जैमी कि हम आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये सारी तस्वीरें तो हमने उन सुनहरी यादों को ताजा करने के लिए भेजी थी और ये बताने के लिए जैमी कि आपके मुकद्दर में सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम। तनवीर, मेरे मुकद्दर में सिर्फ एक ही नाम लिखा है, सोया फारूकी, समझी तुम? अल्लाह कसम जैमी, आप कितने भोले। खैर जैमी, कोई बात नहीं, आपको मनाने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद दीज पीपल? निकाह के नाम पे ऐसे पागल से क्यों हो जाते हैं? पता नहीं। और वो चूना भट्टी वाली जो नसीम खाला है, वो कौन सी? नहीं, जो कोनी मारे जा रही थी मुझे, जिनकी आवाज कानों में चुभती है। हाँ हाँ, क्या कह रही थी वो? यार मियां, तुम्हारा तो निकाह हो गया, तुम्हारी बेगम तो माशाल्लाह इतनी सुंदर सी है। अच्छा सुनो, वो जो हमेशा पान चबाए जा रही थी पूरा टाइम, वो कौन थी? वो मम्मी की पुप्पो है, शहजा पुप्पो। वो तो पगला ही गई थी, मुझे कह रही थी कि एक साल में पोते का मुंह दिखा देना। व्हाट? हाँ। अरे शहजा पुप्पो का भी क्या बताऊं मैं, मुंह में पान भर के अपनी गंदी सी आवाज में, अरे यार मियां तुमको क्या हो गया, तुमको इतने कमजोर हो गए, इतने पतले से हो गए, और तुम्हारी बेगम के हाथ का खाना वाना खा के थोड़ी सेहत वेहत बना लो। इन्हें हमारे साथ फोटोग्राफ खिंचवाने का इतना क्रेज क्यों है? हम क्या ताजमहल है? कुतुब मीनार लगती हूँ क्या मैं? मतलब इनको लगता है कि अयान और उनकी बेगम के साथ फोटोग्राफ हुए बिना तो पता नहीं क्या खराब हो जाएगा। रियली सॉरी सोया, मेरे रिश्तेदार हैं ऐसे थोड़े, जीप से थोड़ा सा मैनेज करना। वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इन लोगों के सामने खुद का कोई निकाह हो, कोई फंक्शन हो, फिर तो ऐसे कपड़े पहनो भी, लोगों को दिखाने के लिए ऐसे कपड़े पहन के जाना, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। खैर, I'm happy कि अब मैं नॉर्मल कपड़े पहन सकती हूँ, सबसे रिलीफ। बाहर मोहल्ले की कुछ औरतें आई हैं, वो लोग सोया जी से मिलना चाहते हैं। या अल्लाह, दो दिनों से ये नाटक कर करके मैं थक चुकी हूँ, अब तो कुछ भी होगा ना मैं मना कर दूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब कुछ। ये लहंगे, दुपट्टे, ज्वेलरी, हद होती है किसी बात की। सोया जी, हम तो भूल ही गए, आज निकद की हल्दी है, हम तुम्हारे लिए जेवर लेकर आए हैं, इन्हें पहन लेना। और जेवर? दादी आप तो पहले इतने सारे दे चुकी हैं। तो क्या हुआ, तुम हमारे पोते की बहू हो, तुम्हें नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? देखो अच्छे है ना। या अल्लाह, ये तो बहुत हैवी है दादी, मुझे इतनी हैवी ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है। नहीं है ना, तो पड़ जाएगी आदत, अब तुम इस घर की बहू हो। देखिए अब बार बार मुझे बहू मत कहिए। अब जब तुम बहू हो तो बहू ही तो कहूंगी। मैं बहू नहीं हूं, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं जब से इस घर में आई हूं हर कोई मुझे बहू कह के बुला रहा है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं इस घर की बहू नहीं हूं, क्योंकि क्योंकि उस दिन जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, कोई नहीं चाहता था ऐसा हो, इसलिए वो एक गलती थी। बेटा तुम्हें ऐसा लगता है, लो सोचो जोया, उस रोज तुम और अयान कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी पहुंच सकते थे, लेकिन तुम दोनों एक ही वक्त पर एक ही जगह पहुंचे, एक दूसरे के सामने, और वो भी ऐसी जगह जहां पे काजी साहब निकाह पढ़ रहे थे। बेटा ये इत्तेफाक नहीं है, इसे मुकद्दर कहते हैं। मैं नहीं मानती किसी मुकद्दर को, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो कुछ हुआ वो एक इत्तेफाक से ज्यादा और कुछ नहीं था, हम में
से कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मुकद्दर अपना खेल इंसानों से पूछकर नहीं खेलता। तुम चाहो या ना चाहो, अब तुम इस घर की बहू और अयान की बीवी। मुकद्दर की मर्जी इंसानों की मर्जी से बहुत बड़ी होती है, और उसने अपना फैसला तो सुना दिया है, अब उसे लड़ना छोड़ दो। और अब तुम दोनों की किस्मत एक साथ जुड़ चुकी है, यही सच है। यही सच है कि तुम दोनों का निकाह हो चुका है, और अब तुम इस सच से अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। जोया,